अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे तकरीब में इबारत उर्दू जमात दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसके सबक नंबर एक प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद की इबारत नंबर 8 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबक में मौजूद तमाम पैराग्राफ के जो तकरीब में इबारत है वो आपके सामने लाई जाए। आज की इबारत नंबर 8 है, जंग के जमाने में हुस्ने इतफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पतरस की तहरीक पर एक महदूद भी हल्का कायम किया गया जिसमें डॉक्टर तासीर फैज अहमद फैज हामिद अली खान हमीद अहमद खान चिराग हसन हसरत महमूद निजामी गुलाम अब्बास निसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हर महीने उसका एक जलसा होता था, कभी पतरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मुकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू होती। एक जलसे में महमूद निजामी ने मुकाला पढ़ा, इसमें मिर्जा साहब भी तशरीफ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज किया, पतरस खामोश रहे। मिर्जा साहब से दरख्वास्त की गई कि वो कुछ फरमाए। मिर्जा साहब बहस मुबासे को नापसंद करते थे इसलिए बड़ी मुहतात राय देते थे। अंदाज कुछ ऐसा होता था कि नहीं ये बात नहीं मगर खैर ऐसा भी होता है। पतरस को शोखी सूझी, फैज को इशारा किया, वो मिर्जा साहब से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। बात काट कर फौरन शुरू हो गई। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद उभरी, इतना तो उनका कहना और मिर्जा साहब का जलाल में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। उस दिन मुझे भी अंदाजा हुआ कि मिर्जा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज पेशेमानी से बार बार मिर्जा साहब की तरफ देखते थे। पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बखुद साकित बैठे मिर्जा साहब की को आंखें फाड़े देख रहे थे। पतरस ने मिर्जा साहब का जलाल खत्म करने के लिए फौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्जा साहब का जलाल रफा हुआ। मरकजी ख्याल जो अदबी हल्का कायम किया गया था इसका हर महीने एक जलसा होता था, कभी पतरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर, जिसमें मुख्तलिफ अदबी मौजूदात पर बहस मुबासा किया जाता था। अगला सवाल है, भारत का खुलासा लिखे। तो पतरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया जिसमें डॉक्टर तासीर फैज अहमद फैज हामिद अली खान हमीद अहमद खान चिराग हसन हसरत महमूद निजामी गुलाम अब्बास इंसान नासरी वगैरह शरीक किए गए। मिर्जा साहब बहस व मबासा करना पसंद नहीं करते थे। सवाल नंबर 3, पतरस ने मिर्जा साहब का जलाल खत्म करने के लिए क्या किया, कहा नहीं किया है ये। पतरस ने मिर्जा साहब का जलाल खत्म करने के लिए फौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया, खुदा खुदा करके मिर्जा साहब का जलाल रफा हुआ। सवाल नंबर 4, एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर क्या सूरत हाल बनी। एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर मिर्जा साहब को जलाल आ गया और यूं लगा जैसे पुरानी तहजीब का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता है। सवाल नंबर 5 है, हर महीने अदबी जलसा कहाँ होता था। हर महीने अदबी जलसा कभी पतरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर होता था। अगला सवाल है, पतरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हलका कायम किया गया जिसमें शामिल होने वाले अदीबों के नाम लिखे। तो अदीबों के नाम थे डॉक्टर तासीर फैज अहमद फैज हामिद अली खान हमीद अहमद खान चिराग हसन हसरत महमूद निजामी गुलाम अब्बास इंसाफ नासरी वगैरह इसमें शामिल थे। अगला सवाल है, अदबी महफिल के दौरान पतरस को क्या सूझा। अदबी महफिल के दौरान पतरस को शोकी सूझी। सवाल नंबर 8 है, महफिल के दौरान किन दो तहजीबों का जिक्र किया गया है। महफिल के दौरान रूमी तहजीब और यूनानी तहजीब का जिक्र किया गया है। आखिरी सवाल है, पतरस की तहरीक पर क्या कायम किया गया था। पतरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हलका कायम किया गया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।